श्रीवी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदा और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावरीउल्ला नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। 26 पे देखिएगा, एनानसी एंड द फाइव। कुछ मानी लिखे हुए हैं, वो भी आप और से सुन लीजिए, देख लीजिए। चार्मिंग का मतलब होता है जो बहुत खुशगवार होता है, बहुत प्लीजेंट होता है। इसी तरह डेलिकेसी यानी स्मॉल चेस्टी जो है ना, जायकेदार। फ्यूरियस कहते हैं वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा खफा होना। ग्लम कहते हैं सैड, बहुत उदास होना। स्कॉल का मतलब है एन एंग्री एक्सप्रेशन, यानी बहुत गुस्से वाली जो है ना वो चेहरे से जाहिर करना। स्कारिंग कहते हैं मूविंग हरीडली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स। इसी तरह टिस्कस अमिस्टेवियस कैरेक्टर, यानी बहुत जो शरारती कैरेक्टर होता है उसके ऊपर। आप देखिएगा मैं पढ़ रहा हूँ, उसको गौर से देखते जाएगा, बड़ा अच्छी ये है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वंस अपॉन ए टाइम, एक मर्तबा का जिक्र है, लॉन्ग एगो, ये बहुत दिनों पहले की बात है, दे आर लिव द क्रिएचर कॉल्ड एनानसी, के एक क्रिएचर था जिसको नाम था एनानसी। समटाइम्स एनानसी वाज ए स्पाइडर, कभी कभी तो ऐसा होता था कि एनानसी कभी मकड़ा बन गया। समटाइम्स ही वाज ए मैन, कभी ऐसा हुआ कि कोई आदमी बन गया। एंड अदर टाइम्स ही वाज स्ट्रेंथ मिक्स ऑफ द टू, ये दोनों मिला जुला, कभी मकड़ा बन गया कभी आदमी बन गया। एनानसी वाज ए टिस्कर, यानी टिस्कर के मानी अभी बताया कि ये शरारती है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीवियस है। एंड ही वाज हैविंग ए डिफ़िकल्ट टाइम, और बड़ा मुश्किल वक्त उसके ऊपर था। ही हैड नो मनी, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, टू बाई फूड फॉर हिज फैमिली, के वो अपने कुंबा के लोगों के लिए, ख़ानदान के लिए वो खाने पीने की चीज़ें खरीद सके। एज ही वॉक्ड अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह जब वो गांव से देहात से जब वो गुजर रहा था, ही हैड ए स्कॉल, उसके पास एक स्कॉल, अभी आपको बताया कि साहब इस कॉल का मतलब होता है एंड एंग्री एक्सप्रेशन, ऐसा बहुत खफा है, बहुत खफा है वो। ऑन हिज फेस एंड ग्रोल इन टू हिज स्टोमक, और उसके पेट में देखिएगा बहुत ज़्यादा परेशानी है, दर्द हो रहा है उसके पेट में। पासिंग बाई ए नेवर्स हाउस, जब एक पड़ोसी के घर के पास से वो गुजरा, एनानसी हर्ड समथिंग डैट प्लीज्ड हिम, एनानसी ने एक आवाज़ सुनी और उसके सुनने से वो खुश हो गया। द नेवर वॉज एन ओल्ड विच, जो पड़ोसी है एक पुराना ये जादूगरनी थी, विच, शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लीजेंट, वो बहुत खफा थी और बहुत नाराज़ थी, वो अच्छा नहीं लगता था। विच, ये जादूगरनी थी, हु बिकेम फ्यूरियस, जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली बन गई थी। वेन एवर एनी वन सेड टू हर नेम, जब कोई उसका नाम लेकर पुकारता था, शी हेटेड हर नेम, उसको अपने नाम से नफरत थी। ऑल्दो हर लाइफ पीपल हैड लव्ड, अगरचे लोग
उसके ऊपर हंसते थे, लुक सरप्राइज्ड और हैरत से उसको देखते थे व्हेन दे हर्ड व्हाट हर नेम वाज, जब वो सुनते थे कि इसका क्या नाम है यार। कैन यू गेस, क्या आप समझ सकते हैं व्हाट हर नेम वाज, कि उसका नाम क्या था? इट वाज फाइव, ये पांच। एनांसी ये पिक थ्रो ए गैप इन द विश फेंस। अब एनांसी कहीं से खुला हुआ था उससे झांक कर उसको देखती है। शी वाज स्टेयरिंग हर बिग कुकिंग, वो बहुत बड़ा हांडी जो चढ़ाई हुई थी उसमें वो चमचा हिला रही थी पोट बर्तन में, एंड मटरिंग और बड़बड़ा रही थी, एंड मम्बलिंग ए स्पेल, और इस तरह से मम्बल के मानी में बड़बड़ करना। टू स्पोक एंड स्पार्क वेयर ब्लू एंड ग्रीन, जहाँ से देखिएगा कि वहाँ से जो स्मोक जो धुआं निकलता है कभी जो है ना वो ब्लू होता है कभी वो ग्रीन हो जाता है। सो एनांसी न्यू शी वाज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, इसलिए एनांसी जो है वो समझती है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा जादुई खेल पका रही है। सडनली शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट इनटू द ग्राउंड, अचानक उसने ये जो कुछ है, स्नैच का मतलब होता है खींच लेना, स्टाफ, एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड, और उस पर जो है ना उसको देखना शुरू कर दिया। एज शी वॉक्ड अराउंड द पॉट, जब वो बर्तन को देख रही थी, एनांसी लिसेंड केयरफुली, एनांसी ने गौर से सुना टू व्हाट शी सेड, कि वो क्या कह रही है। आई कर्स एनिमल, मैं लानत देती हूँ किसी भी शख्स हु सेज द वर्ड फाइव, जो ये लफ्ज कहता है फाइव, टू डिसपियर फॉर एवर, और हमेशा के लिए गायब हो। एनांसी रब्ड हिज हैंड्स, एनांसी अपने हाथों को मलती है टुगेदर दोनों को, एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज एट हेयरी लेग्स, और उसके जो आठ जो हैं ये जो पांव जिसमें बाल हैं उसके साथ वो जम करके, ओह दिस कुड मेक मी सम मनी, इससे तो हमको कुछ पैसा मिल सकता है, और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली, और खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है कि हम लोग टेबल पे बैठ के खाएंगे। ही स्माइल्ड वाइडली, बड़ी ये से वो हंसती है मुस्कराती है, एंड ही शार्प टीथ स्पार्कल्ड, और इस तरह से उसके शार्प बोलते हैं बहुत जो तेज़ दांत है वो चमकदार दांत वो नज़र आते हैं। एनांसी रश टू द पाथ, वो दौड़ के सड़क के ऊपर रास्ते के ऊपर जाती है, डेट रन अलोंग द रिवर, जो दरिया की तरफ जाती है, बैंक यानी दरिया का जो किनारा है उधर, बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस और गांव के दरमियान है। सम सून एवरी वन वॉज गोइंग टू द मार्केट, बहुत जल्द सब लोग बाजार जा रहे थे, वुड वॉक फास्ट, बड़ी तेज़ी से जा रहे थे, दे वुड बी ऑन देयर वे, ये लोग अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे, टू बाई द डेलीशियस याम्स, ताकि वो बहुत डेलीशियस कहते हैं जायकादार याम को लें, बीट्स को लें, पल्सेस को लें, एंड ग्रेन, डेट वुड बी पाइल हाई इन द मार्केट, जो कुछ बहुत ज़्यादा महंगा मार्केट में मिलता है। एनांसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप फाइव माउंट्स ऑन अर्थ नियर टू द पार्क, एनांसी अपना काम शुरू कर दिया, और इस तरह से पांच जो हैं ये माउंट्स, जो पहाड़ है टीला है, टू द अर्थ, जो ज़मीन की तरफ है, नियर द पार्क सड़क के ऊपर, दे लुक्ड जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड फाइव याम्स, ऐसा मालूम होता था कि उसने पांच जो याम्स हैं, यानी वो जो मीठा आलू होता है या मीठा जो केला होता है उसको याम वो लगाया हुआ है। व्हेन ही सैट डाउन एंड वेटेड, जबकि वो बैठ गया और इंतज़ार कर रहा है। फर्स्ट टू कम बाय वाज अ लिटिल मिस्टर रैबिट, जो सबसे पहले आता है वो एक छोटा सा एक खरगोश है। शी कैरीड अ बास्केट फुल ऑफ
और स्वीट पैचोचो, वो एक छोटा सा बास्केट लिए हुए हैं जिसमें मीठा आलू है उससे भरा हुआ पीसेस, एंड वॉक स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी, और बहुत मुश्किल से वो खरगोश जो है वो चल पाता है क्योंकि ये बहुत भारी था, वजनी था। एनांसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल, एनांसी आगे बढ़ती है और वो मुस्कराती है। दे लुक लाइक ए बिग वेट, ओ ये तो बड़ा वजनी मालूम हो रहा है, प्लीज़ रेस्ट अ व्हाइल एंड हेल्प मी, आप थोड़ी देर के लिए आराम करो और मेरी मदद करो। आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी याम्स आई हैव प्लांटेड, अब मुझे पता नहीं कि मैंने कितने सारे प्लांटेड याम्स के लगाए हैं, इसको आप गिन के बता दो। मिसेज रैबिट वॉज अ काइंड, मिसेज रैबिट ये बहुत मेहरबान, बहुत शफीक थी, सो शी स्टॉप, इसलिए वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट, वो अपनी टोकरी रख देती है, एंड होप अलोंग द रो, और इंतज़ार करती है कि सब अभी तो ये कच्चे हैं, काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, और उसको गिनती है 1, 2, 3, 4, 5। इन ए फ्लैश प्लग झपकते एंड अ बैंग मिसेज रैबिट डिसअपीयर, और प्लग झपकते ही वो मिसेज रैबिट जो है वो गायब हो जाती है। एनांसी गॉबल डाउन द होल बास्केट, ये पूरा बास्केट को उलट देती है, और स्वीट पोटैटो इन ए सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर शी ही लिक्ड हिज लिप्स, अपने होठों को वो चाटती है, एंड सेट डाउन अगेन टू वेट, और बैठ जाती है दोबारा इंतज़ार करने के लिए। नो लॉन्ग आफ्टर, इसके बाद ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि हर्ड लिटिल फुटी स्टेप्स ऑन द पाथ ऑन लुक्ड अप, के वो सड़क की तरफ देखती है जहाँ पर कदमों की आवाज़ उसको सुनाई देती है। इट वॉज मिस्टर डक, और ये थे मिस्टर डक। ही वॉक्ड अलोंग विद हिज चेस्ट हेयर हाई एंड हिज फीट मेड ए स्टीप स्लैप साउंड ऑन द पाथ, और उस तरह सड़क पर चौड़ा पाँव करके और सीना को ऐसे करके वो चल रहा था। ही हैड अ बैग विद हिज लंच, लंच के साथ उसका बैग है, इन इट बाई हिज साइड, अपने कंधे पर लटकाया हुआ। मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही सॉ एनांसी, जब उसने मिस एनांसी को देखा तो वो रुक गया, एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज, और पूछा कि वो कैसा है। एनांसी पुट, देखिएगा पेज नंबर 28, ऑन ए ग्लम एक्सप्रेशन, बहुत उदासी चेहरे से वो अपना जाहिर करता है। मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई याम प्लांट्स, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं ये जो प्लांट लगाई हुई हूँ याम्स का, मैं इसको कैसे गिनूँ। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करोगे। मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड, वो अपने सर को ही झुकाता है, एंड पफ्ड, और इस तरह से करता है कि हाँ, आउट ऑफ हिज चेस्ट इवन फर्दर, वेल एनांसी ही सेड, उसने कहा कि ठीक है एनांसी, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये तो बड़ा आसान है, स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2, 3, 4 एंड 5। मिस्टर डक डिसअपीयर्ड इंस्टेंटली, ये कह के वो बहुत जल्द गायब हो गया। एनांसी एट ऑफ द लंच, और एनांसी ने वो जो लंच है उसका खाना वो खा लिया। नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एनांसी फैमिली, मेरे ख्याल से आप एनांसी फैमिली के बारे में आप यकीनन आप हैरत में होंगे। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने उनके बारे में सोचा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उनके लिए उसने कुछ जमा करके रखा। नो ही डिड नॉट, नहीं रखा उसने। ही एट एवरीथिंग विदाउट थाउट अबाउट एनी ऑफ देम, वो हर चीज़ खा गया उनके सोचे बगैर कि उनका क्या होगा, क्या खाएंगे। नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वॉज मिस फ्रॉग, अब इसके बाद उसकी मुलाकात
मिस फ्रॉक से हो जाती है। शी डिड नॉट स्टॉप व्हेन एनांसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब एनांसी उसको आवाज़ देता है तो वो रुकी नहीं, बोलता है प्लीज हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, मेरी मदद करो ये जो मेरे पौधे हैं इनको गिनने में। शी लाफ्ड, वो मिस जो फ्रॉग हैं वो हंसती है, नो वे काउंट देम बाय योरसेल्फ, नहीं नहीं तुम खुद गिनो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर शी हॉप्ड अवे, और इस तरह से कंधा झुका के बोलती है तुम खुद गिनो, अपना काम तुम खुद करो। आई डिड नॉट बॉदर एनांसी टू मच बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी ए प्लेंटी मोर चांसेस टू हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इट डिड नॉट बॉदर एनांसी, वो एनांसी के साथ जो है ना वो ज़्यादा मिलना नहीं चाहता था और कोई उसको मौका नहीं देना चाहता था कि उसके ऊपर कोई जादू इस्तेमाल करे। ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड्स ही वुड फाइंड, वो सिर्फ सोच सकती थी कि कितना अच्छा मज़ेदार खाना उसको मिला है। ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड वुड ही फाइंड, ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, वो नहीं सोचा कि ये जो बच्चे भूखे हैं वो क्या खाएंगे। ही वॉज गोइंग टू ईट, वो खाने के लिए जा रहा था, एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टोमक, जितना के उसके पेट में समा सकता था। एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे, उसके बाद दूसरे दिन भी वही हरबा इस्तेमाल करना चाहता था। ए स्कारिंग साउंड पुल्ड एनांसी, इस तरह देखिएगा एक स्कारिंग का वो साउंड है, यानी कोई बहुत जल्दी जल्दी उसकी तरफ आ रहा है, मूविंग हरिडली। पुल एनांसी ऑफिस डे ड्रीम, उसको जो ख्वाब है दिन में जो ख्वाब देख रहा है उससे उसको बाहर निकाला। इट वॉज मिस श्रीयू, ये क्या है मिस एल श्रीयू, ऑन हर टीनी बैग शी हैड ए ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशी मैड पाइज डैट ही वॉज होपिंग टू सेल, उसके पीछे वो बहुत बड़ा ये रखा हुआ था कि साहब हम इसको बेच देंगे। द लोड वॉज थ्री टाइम्स हर साइज, वो वज़न जो है इसके जिसामत से तीन गुना ज़्यादा था। एंड हर फेस वॉज रेड, उसका चेहरा जो है वो लाल था, एंड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मैकिंग, ये जो कोशिश वो कर रहा था। ओ लेडी श्रेयो हाउ नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर कितनी खुशी होती है। सिट ए व्हाइल एंड रेस्ट, आप थोड़ी देर बैठो आराम करो। आई नीड हेल्प टू काउंट माय प्लांट्स, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम मेरे पौधों को गिनकर बताओ। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी, और अपनी जहानत को मेरे साथ बांट लो। एनांसी ग्रीन्ड एंड शॉर्ड ऑल हिज शार्प टीथ, वो हंसता है और उसके जितने तेज दांत हैं वो नज़र आते हैं। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग बिकॉज टू रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइज, इसे कोशिश कर रहा था कि वो तमाम पाइज जो हैं वो खा ले। मिसेज श्रीव वॉज नॉट अ फूल, मिसेज श्रीव ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। शी कुड सी एनांसी आइज ग्लिसन, वो देख सकती है कि एनांसी की आँखें जो हैं वो चमक रही हैं। एज ही लुक्ड एट द पाइज, जब वो पाइज की तरफ देखती है, वेल एनांसी यू आर काइंड, एनांसी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मेहरबान। आई एम टायर्ड, मैंने कोशिश की। शी पुट डाउन हर लोड, वो अपना वजन रख देता है या रख देती है। हाउ कैन आई हेल्प, कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। आई कॉन्ट काउंट ही लाइड, वो झूठ बोलती है कि मैं गिन नहीं सकता हूँ। कैन यू काउंट माई याम माउंट फॉर मी, क्या तुम ये याम हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं मेरे लिए गिन दोगे। मिसेज थ्री स्माइल, वो मुस्कराती है। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट, वो करीब के टीले के ऊपर जाती है। एंड स्टूड ऑन इट, उसके ऊपर खड़ी हो जाती है।
शी पॉइंटेड द माउंड, वो पहाड़ की तरफ यानी टीले की तरफ इशारा करती है, दैट वॉज फर्दस्ट अवे फ्रॉम हर, जो उससे काफ़ी दूर था. 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, और पांच नहीं बोलती है और कहती है कि ये. शी सेड क्लियरली एंड नॉन्सी फ्रॉन्ट, वो उसने बिल्कुल साफ कहा. एंड नॉन्सी गुस्से में आ जाती है, फ्रॉन्ट गुस्से में आ जाती है. डू इट अगेन, दोबारा बताओ हमको. से ऑल द मेम्बर्स, तमाम मेम्बरों को बताओ. ही सेड 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, 1, 2, 3, 4 और ये. दैट आई एम सिटिंग ऑन, जिस पर मैं बैठी हुई. मिसेस श्रीव स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वाजह अल्फाज में बोल रही थी. अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर एनांसी फेस, एनांसी के चेहरे पर गुस्से की एक लहर आती है. कम ऑन, आ जा, नीचे आ जा. से देम प्रॉपरली, और इनको अच्छे अंदाज में तुम बयान करो. ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप ए स्माइल ऑन हिज फेस, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से आ रही थी. अगेन मिसेस श्रीव स्माइल स्वीटली, वो बड़ी मुस्कराती है बड़ी अच्छे से. एंड काउंटेड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता गिनती है. 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन हेयर, और एक ये. एंड दिस वन हेयर, और एक ये. शी पॉइंटेड टू द माउंट बेनीथ हर फीट, और वो इशारा करती है उस टीले की तरफ जो उस पर चढ़ी हुई है, उसके कदमों के नीचे है. आग से दोबारा कहो, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बयान करो. शाउट है नानसी, वो चिल्ला कर कहती है कि इस तरह से बोलो. नोट वन, पांच बोलो. इंस्टेंटली इन ए बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स, अचानक बहुत ज़्यादा धमाका होता है. ही डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो जाता है. मिसेज श्रीव पिक्ड अप हर लॉर्ड, और मिसेज श्रीव जो है वो अपना वजन उठाती है. एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ रवाना हो जाती है. शी वुड सेल दिस पाइज, इन पाइज को वो बेच देती है. एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली, और उसके बाद बहुत जायकेदार जिससे मुंह में पानी आ जाता है अपने कुंबा के लिए वो खरीद. इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है. आपने देखा कि साहब एनांसी की चालाकी के साहब 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से जो है ना उसका सारा, वो फाइव बोलते ही सारा हड़प लेती है. लेकिन ये मिसेज जो है ना, वो जो लास्ट में आई थी, उसने कहा कि नहीं, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, और इस तरह उसका जादू कामयाब नहीं हो रहा. ओके ओके मिस.